Hello everyone, today we are going to start a poem of a standard 5th, unit 3, lesson number 17, on the water. Okay, do you all know what is the meaning of this word? आप जानते होंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है? Yes, very good. इसका मतलब होता है पानी पर. Okay, so let's start. First of all, I'll read this poem. In our little boat to glide on the water blue and white, while the sky is smooth and bright, what could give us more delight? See the ripples, how they run, twinkling brightly in the sun, while reflected we can see shadows of each hill and tree. See the lilies around and large, floating near the reedy marge, where the bulrush has its place and the heavy water maze. See the great green dragonfly and the swallow skimming by. See the fishes spring and gleam ere they splash into the stream. See the bright kingfisher too, dark a gleam of green and blue. These are all around our boat on the water whilst we float. Okay, so let's start. Now you have to see the first stanza. I'll explain you. In our little boat to glide on the water blue and white, while the sky is smooth and bright, what could give us more delight? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जब मैं अपनी छोटी सी बोट पर हूँ, मैं अपनी नाव चला रहा हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि पानी पर एक नीला रंग और बहुत दूर तक फैला हुआ है. ओके, और ये जो स्काई है, बादल है, वो बहुत दमक रहा है और जो स्काई है वो बहुत स्मूथ भी है. इससे ज़्यादा हमें क्या खुशी मिल सकती है? आसमान बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है और जो पानी है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, और वो नीले रंग का है. ओके, नाउ यू हैव टू सी द सेकंड स्टैंजा. सी द रिपल्स हाउ दे रन ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन, व्हाइल रिफ्लेक्टेड वी कैन सी शैडोज ऑफ ईच हिल एंड ट्री. नाउ, अब ये जो लहरें हैं, मतलब जो पानी की जो लहर होती हैं, वो लहरें देखो किस तरह पानी पर फैली हुई है, और जब सूरज चमक रहा है तो वो कितना, मतलब कितना ब्राइटनेस दिख रहा है, कितना जगमगा रहा है, और वो बहुत तेज चमक रहा होता है. जब सूरज चमक रहा होता है तो हम क्या देख सकते हैं? उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. मतलब कि अगर सूरज ज़्यादा चमक रहा होता है तो हम उस पर पहाड़ों का, ठीक है, पेड़ पौधों का, अगर हम किसी भी बड़ी सी नदी या तालाब पर जाते हैं तो वहाँ उस नदी के ऊपर अगर पेड़ पौधे हो या फिर पहाड़ हो तो उसका रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई हमें उस नदी के अंदर दिखाई देती है. तो वही यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि अगर सूरज जो है वो इतना चमक रहा है कि हम उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. नाउ यू हैव टू सी द थर्ड स्टैंजा. सी द लिलीज राउंड एंड लार्ज फ्लोटिंग नियर द रीडी मार्च वेयर द बलरस हैज इट्स प्लेस एंड द हैवी वाटर मेज. यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे पोएट एक बात कर रहे हैं एक फ्लावर की, मतलब एक फूल, लिलीज, ठीक है. लिलीज एक फूल होता है और वो कितने बड़े होते हैं और वो गोल शेप में होते हैं. रेडी मार्च, रेडी मार्च क्या है? रेडी मार्च मतलब गन्ने के खेत के किनारे कौन तैर रहा है? लिलीज. मतलब यहाँ पे जो रेडी मार्च का मतलब पोएट ने बताया है गन्ने के किनारे का भाग, तो वहाँ पे कौन तैर रहा था? मतलब लिली तैर रही थी. तो रेडी का मीन्स होता है गन्ना. आप लोग वो शुगर कैन का नाम सुने होंगे, तो शुगर कैन को गन्ना बोलते हैं. सो रेडी का मीन्स होता है गन्ना और मार्च का मीन्स होता है किनारा, ठीक है. अब ब्लडलेस क्या होता है? ऐसे पौधे जो लंबे और दलदली इलाके में उगते हैं और वो हमारे
बर्डस और ऐसा मतलब लग रहा होता है कि पानी पानी में छड़ी खड़ी हो, ठीक है, जो दलदली मतलब इलाके में उग रही होती है, ठीक है। नाउ यू हैव टू रीड द फोर्थ स्टैंजा। सी द ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई एंड द स्वेलो स्कीमिंग बाय, सी द फिशेस स्प्रिंग एंड ग्लीम, एयर दे स्प्लैश इन टू द स्ट्रीम। अब पोएट यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई की बात कर रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई को देखो कैसी है, वो ग्रीन कलर की है और वो हरी है और वो कितनी बड़ी है, ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन फ्लाई घूम रही है, ठीक है, और वो हवाओं को निगल रही है। अब आप फिशेस को देखते हैं, वो कैसे दिख रही है, वो उछाल मार रही है। देखिए यहाँ पे आपको फिशेस दिख रहे हैं, तो ये फिशेस मतलब मछली, वो जो है वो पानी में उछाल मार रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब जो लाइट है, जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण पड़ रही है इससे पहले कि वो अपने स्ट्रीम मीन्स वो पानी में डूबे, तो इससे पहले आप वो फिशेस को देखें कि वो किस तरह उछाल मार रही है। पोएट का ये कहना है कि आप अपना पूरा आनंद लें, वो कैसे लग रही हैं, ठीक है, ये आपको पोएट बता रहे हैं कि आप उसे इन्जॉय करो, देखो। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू सी द फिफ्थ स्टैंजा एंड लास्ट। सी द ब्राइट किंगफिशर टू डार्ट अ ग्लीम ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, दीज आर ऑल अराउंड आवर बोट ऑन द वाटर व्हिल्स्ट वी फ्लोट। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि एक सुंदर सी चमकीले मतलब चमकदार किंगफिशर को देखो, ठीक है। अब डार्ट का मीन्स एक तरीके का तीर, ओके, और ऐसा लग रहा होता है कि वो तीर चलते हुए चमकदार ग्रीन और ब्लू कलर हमारी तरफ आ रही होती है, मतलब वो कलर्स हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं। तो पोएट क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही हैं, मतलब ये जो सारी चीज़ें की जो पोएट ने बात की है वो सारी चीज़ें हमारे आसपास ही रहती हैं। और कहाँ पे रहती हैं, पानी में। जब हम फ्लोट करते हैं, जब हम मतलब नाव को चला रहे होते हैं, तो क्या क्या आ रहा होता है, पानी नीला होता है, वो बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। पोएट का कहना ये है कि जब वो आनंद ले रहे थे, जब वो ये फ्लोटिंग कर रहे थे, नाव चला रहे थे, तो वो सारे जितने उन्होंने वहाँ तक का जितना आनंद लिया वो सब इस पोएम में आप लोगों को बताया गया है कि वो फ्लोटिंग करते समय क्या क्या पोएट ने देखा। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि जो पानी है वो बहुत ही नीला है और बहुत दूर तक फैला हुआ है, आसमान चमक रहा है और पोएट बहुत ही खुश भी हैं, ठीक है, जब भी वो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। और जब पानी में जब वो लहरें बन रही होती हैं तो वो कितने दूर तक फैली हैं ये भी बताया गया है। पोएट ने भी आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। सूरज जब चमकता है तो हमें क्या दिखाई देता है, उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ उसकी रोशनी फैलती है, तो ये चीज़ें हमारे चारों ओर चारों तरफ दिखाई देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बताया है पोएट ने भी बताया कि जो लिलीज़ होती हैं वो राउंड शेप के होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई की बात की गई है कि ड्रैगन फ्लाई ग्रीन है, फिशेस की बात की गई है। तो इस पोएम में आप लोगों को पोएट क्या आनंद ले रहे हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस क्या क्या किया वो सब इस पोएम में आप लोगों को बताया गया है। सो यहाँ पर हमारा पोएम ये एंड होता है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को मीनिंग दी हुई है। रेडी मार्क्स मतलब वाटर्स ईट्स, वेयर रीड्स और टॉल ग्रासेस ग्रो थिक्स, मतलब कि पानी का किनारा जहाँ पे पतले पतले जो लंबे लंबे जो ग्रासेस होते हैं वो उगते हैं। बर्रस मतलब वाटर मेस, ठीक है। वेट लैंड ग्रास लाइक प्लांट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जहाँ पे दलदली इलाके में जो प्लांट्स या फिर जो पौधे होते हैं वो उगते हैं। एयर मतलब बिफोर, डार्ट मतलब मूव सडनली एंड रैपिडली, विल्स मतलब वाइल। अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़,
List the insect, birds, trees and plant mentioned in the poem. आप लोगों को इस पोयम में जो जो इंसेक्ट्स बर्ड या फिर एनिमल जितने भी आए हैं या फिर मेंशन किए गए हैं उनको आप लोगों को ढूंढ के लिखना है और ट्रीज भी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिस्ट द रैमिंग वर्ड इन द पोयम. रैमिंग वर्ड भी आपको लिखने हैं पोयम से. फिर आपको थर्ड क्वेश्चन बोला है राइट व्हाट द फॉलोइंग डू विद द हेल्प ऑफ द पोयम. आपको पोयम के हेल्प से बताया गया है कि रिपल्स क्या कर रहे हैं, लिलीज क्या कर रही हैं, फिशेस क्या कर रहे हैं, स्वैलो क्या कर रहे हैं, किंगफिशर का क्या काम है. तो ये सब जो जो कर रहे हैं आप लोगों को पोयम के हेल्प से ढूंढ के लिखना है. फोर्थ में आपको बोला है राइट व्हाट द पोएट इज डूइंग कि पोएट क्या कर रहे हैं वो लिखो. डज द पोएट लाइक द एक्सपीरियंस. क्या जो पोएट ने जितना एक्सपीरियंस लिया क्या वो पोएट को पसंद आया. राइट द लाइन विच टेल अस अबाउट इट. आपको कुछ लाइन्स लिखने हैं और इसके बारे में बताना है. सेकंड आपको दिया हुआ है एक्टिविटीज़. राइट अ शॉर्ट एसे ऑन योर ओन जर्नी इन अ बोट. अगर आप कभी भी नाव पे जर्नी किए हो या फिर नाव पे घूमे हो फिरे हो तो उसमें आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है, एक शॉर्ट एसे लिखना है. सेकंड आपको बोल रहा है प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अ स्पीच ऑन माय फेवरेट प्लेस. यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स. नेम ऑफ द प्लेस, इट्स अ स्पेशल फीचर, द रीज़न व्हाई यू लाइक इट. अगर आप कहीं जगह पे घूमने गए हैं, अगर वो आपका फेवरेट प्लेस है तो आपको इस पर एक छोटा सा स्पीच तैयार करना है. नीचे वाले जितने पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि नेम ऑफ द प्लेस, आप जहाँ घूमने गए थे जो आपका फेवरेट प्लेस है उसका नेम क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और आपको वो क्यों पसंद है ये भी लिखना है. थर्ड आपको दिया है मेक अ पेंटिंग और अ कॉलेज टू शो द डिफरेंट थिंग डिस्क्राइब इन अ पोएम. आपको कुछ ऐसे पेंटिंग बनाने हैं जो कि पोएम में मेंशन किए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं और फिर उसको कॉलेज करके बताना है. सो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है यूनिट 3 का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 17 ऑन द वाटर. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड. आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आ गई होगी. थैंक यू.